सखी बड़ भाग बड़ी नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ गाँव सब लोग ऐसी सखी बनो कि लाल जी घर आवे श्रृंगार करवे। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हम श्रृंगार करें। कब श्रृंगार करें? तब तक श्रृंगार मत करो जब तक श्याम सुंदर हमको स्वीकार ना कर लें। मेरा अभिप्राय ऐसा नहीं कि पूरे बावड़े बने घूमो, नहीं, सामान्य रहो, ज्यादा ज्यादा श्रेष्ठ मैं दिखूं सबको, ऐसा भाव मत रखो। अरे श्रृंगार हम किस लिए कर रहे हैं? एक गृहिणी अपना श्रृंगार तब करती है जब उसका ब्याह हो जाता है, जब उसके प्रियतम उसके पास आ जाते हैं। हमारे प्रियतम आ गए क्या हमारे पास में? नहीं आए ना, तो फिर श्रृंगार क्यों? श्रृंगार को बचा के रखो। कब के लिए? बोले जब लाल जी आएंगे, जब राधा रमन लाल आएंगे, जब बिहारी जी जीवन में आ जाएंगे, वो हमको स्वीकार कर लेंगे, हमारे आगे दर्पण लेके बैठेंगे, तब हम अपना श्रृंगार करेंगे। तू है सखी बड़ भाग बड़ी नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी नंदलाल तेरे घर आवत है। सबको इनके गुणन बखानत, सब कोई इनके गुणन बखानत, सब कोई इनके गुणन बखानत, सब कोई तू है सखी